सृष्टि की रचना कैसे की है? तो बताते हैं कि पृथ्वी जल जलमग्न थी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या किया जाए, तो उन्हें एक छींक आई जिनसे उनकी नासिका से बारह भगवान प्रकट हुए। बोल बारह भगवान की, बारह भगवान जो सूकर का रूप धारण करके आए थे, देखते देखते पर्वतों से विशाल हो गए और जैसे ही जल में कूदे तो उनके वेग से तो जल को भी पीड़ा हुआ। अंदर जाकर के अपने दांतों पर पृथ्वी को लिया और जब आने लगे तो हृदयाक्ष नाम के देवते ने उन्हें रोका। परमात्मा ने एक थप्पड़ जब उसके गाल पे दिया तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार पृथ्वी को लेकर आए, ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की, परंतु देखिए पृथ्वी को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ कि बताओ, परमात्मा ने मेरी रचना के लिए अवतार धारण किया क्योंकि मेरे बिना कुछ है ही नहीं, परमात्मा मुझ में निवास करती है। पृथ्वी को अभिमान हुआ तो बारह भगवान पृथ्वी को ले जाकर कहाँ लेके आए? वृंदावन। अब वृंदावन लेकर आए तो वृंदावन तो पृथ्वी में, फिर पृथ्वी ने कैसे वृंदावन को देखा? तो ये जो वृंदावन है ये पृथ्वी में नहीं है, ये पृथ्वी से अलग है। स्वयं वेद कहते हैं जब पृथ्वी को अभिमान हुआ तो भगवान वृंदावन लेकर आए। वृंदावन क्या है? वृंदा अर्थात तुलसी, और जहाँ तुलसी का वन हो वही वृंदावन है। तो आज वृंदावन लेकर आए हैं तो पृथ्वी कहती है प्रभु ये कौन सा स्थान है जो मुझसे अलग है? भगवान कहते हैं ये मेरा निज निवास वृंदावन है जहां पर मैं रहता हूँ। आज भगवान बताते हैं कि जो तुम्हें अपमान है कि मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, तो ये वृंदावन तुमसे अलग है, मैं से निज निवास मेरा ये वृंदावन है। आज ये सुनते हैं पृथ्वी का मोह दूर कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि वृंदावन ऐसा है, वृंदावन को वास मलो जहाँ पास बहे यमुना महारानी, और यमुना नहाय के ध्यान करे सुबह कुंठ मिले तिन हो रजधानी। वेद पुराण बखान करे और संत करे जिनकी मनमानी, यमुना यम दूतन तारक है भव तारक है शिराधिका रानी। वृंदावन कैसा है? एक बार दोनों हाथ उठाओ, बोलिए वृंदावन मांगे बिहारी लाल की जय। आप सभी के सामने बावन भगवान की बहुत ही सुंदर झांकी निकाली जाएगी। तो ये हमारे बावन भगवान जी आ गए हैं, तो दर्शन आप लोग भी कर लीजिएगा और कमेंट में बावन भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पंडाल में जितने भी भक्तजन बैठे थे सभी ने बावन भगवान का आशीर्वाद लिया और सभी खूब झूमे। Okay.